गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है, दैट इज रेगुलेशन 94 रिगार्डिंग बोनस शेयर्स ओनली अगेंस्ट रिजर्व्स एक्सेट्रा इफ कैपिटलाइज्ड इन कैश। इसमें जो रेगुलेशंस है वो कहती हैं कि जो बोनस इशू है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके फ्री रिजर्व्स हैं, वो भी जो आपने अपने जेन्युइन प्रॉफिट्स और सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट करके, वो भी जो सिर्फ कैश में कलेक्ट हुआ है, उससे आप कर सकते हैं। रिजर्व्स जो क्रिएट हुए हैं रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट से, उसे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। देन जो बोनस शेयर्स हैं उसे आप इन लियो ऑफ डिविडेंड आप इशू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है, दैट इज कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू रेगुलेशन 95। जो बोनस शेयर्स हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर, जब आपको 15 दिन के अंदर अंदर इशू आपको करने हैं, कब से 15 दिन के अंदर अंदर, जब आपका डेट ऑफ अप्रूवल इशू का आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिया है, अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिया है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के लिए बोनस इशू करवाने के लिए, तो जिस डेट को अप्रूवल दिया है उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपको बोनस शेयर्स इशू करने हैं। जहां पे ये अप्रूवल नेसेसरी है शेयर होल्डर से, जहां पे अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स नेसेसरी है, तो उस केस में जो आपका बोनस इशू है वो 2 महीने के अंदर अंदर, जिस डेट को मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उस डेट से 2 महीने के अंदर अंदर आपका बोनस इशू इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, कंप्लीशन आपका बोनस इशू का हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज जो इशू है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते एक बार अगर आपने अनाउंस कर दिया है कि बोनस इशू आप निकालेंगे। तो ये थी बोनस इशू की रेगुलेशन। नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या हैं बोनस इशू के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के। बोनस इशू जब आप करते हो तो कोई भी कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, तो आपकी जो लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल है कंपनी की वो इफेक्ट नहीं होती है। दूसरा, बोनस इशू की वजह से जो शेयर कैपिटल है कंपनी की वो इंक्रीज हो जाती है, और जो कंपनी का एबनॉर्मल हाई रेट ऑफ डिविडेंड था वो रिड्यूस हो जाता है, और स्टिल आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेम अमाउंट एज डिविडेंड। दूसरा, जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं बोनस शेयर्स को, बेच सकते हैं अगर उन्हें कैश की नीड है। चौथा, जो शेयर होल्डर्स की इनकम है फ्यूचर में वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बोनस शेयर्स की वजह से उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। बोनस शेयर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होते हैं उन शेयर होल्डर्स को जो हायर टैक्स ब्रैकेट में होते हैं, क्योंकि अगर वो सेल करते हैं शेयर्स की तो सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो लोअर रेट पे होता है एज कंपेयर टू टैक्स रेट जो वो अदर इनकम पे पे करते हैं। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस क्या है बोनस शेयर्स के। पहला है, जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का मार्केट में वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में है वो इंक्रीज सप्लाई हो जाएगी शेयर्स की, उसकी वजह से। तो जो एडवांटेज शेयर होल्डर्स को मिला था इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है क्योंकि उनका जो शेयर्स है उसका मार्केट प्राइस फॉल हो जाता है। दूसरा, जो रेट ऑफ डिविडेंड है फ्यूचर में वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल है कंपनी की वो इंक्रीज हो चुकी है ड्यू टू इशू ऑफ बोनस शेयर्स, जबकि प्रॉफिट्स कंपनी के इंक्रीज नहीं हुए हैं। तीसरा, जो स्पेक्यूलेशन है शेयर्स में कंपनी की वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो ये था हमारा जो टॉपिक बोनस शेयर्स का। नेक्स्ट टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे बुक बिल्डिंग का कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।